और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ में जुटेंगे एसपी के सभी विधायक। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को बुलाए गए हैं। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए पार्टी की रणनीति। 10 राज्यसभा सीटों के लिए मैदान में 11 प्रत्याशी। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। तो लखनऊ में आज एसपी के सभी विधायक जुटेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को लखनऊ बुलाया गया है। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए पार्टी की रणनीति बनेगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। अब समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया गया है। क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला और कितने बजे ये बैठक होनी है? देखिये, लगभग 11 बजे सभी विधायकों को पार्टी कार्यालय बुलाया गया है। पार्टी कार्यालय पर जो विधायक है उनके साथ अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। इसमें अखिलेश यादव की यानी समाजवादी पार्टी के विधायक तो होंगे ही होंगे, इसके साथ ही दूसरे दलों के विधायक भी होंगे जो उनके सहयोगी दल है। दरअसल कहानी यह है कि जो ओम प्रकाश राजभर है उनकी पार्टी से भी पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को उतारा गया था। वो भी ये माना जा रहा है 102 विधायक ऐसे हो सकते हैं जो अखिलेश यादव के साथ इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल, चूंकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही पल्लवी पटेल चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़ी थी, तो ऐसे में पल्लवी पटेल भी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगी। हालांकि पहले पल्लवी पटेल ने इसका विरोध किया था कि जो पीडीए का फार्मूला है उसे अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में नहीं अपनाया, लिहाजा जो है वो वोट नहीं करेंगी। लेकिन बाद में उनके भी सुर बदल गए जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। तो समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि किस स्थिति में वो अपने जो तमाम विधायक हैं उनको जोड़कर रखे, क्योंकि 8वें प्रत्याशी उतारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक बात साफ हो गया कि क्रॉस वोटिंग तय है। इससे पहले ही समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो जब उसने 3 प्रत्याशी उतारा था तभी यह तय था कि 2 से 3 विधायक उसे कम से कम दूसरे दलों के चाहिए। तो किस दल के विधायक होंगे इसकी रणनीति पर भी सपा काम करेगी, क्योंकि राजा भैया सबसे महत्वपूर्ण, राजा भैया के पास 2 विधायक हैं और राजा भैया जो है वो उन्होंने अखिलेश यादव से भी बात की है, इधर भारतीय जनता पार्टी से भी लगातार वो संपर्क में है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव कम से कम राज्यसभा का देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पूरी ताकत आजमा रहे हैं। चूंकि अब राष्ट्रीय लोक दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ऐसे में जो आने वाला समय में 27 तारीख को जब मतदान होगा तो उस समय की जो स्थिति होगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की जो